हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा, और जिस तरह से पहले मैच में हम लोग ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया है, उसी तरह सेकेंड मैच में भी करने वाले हैं। क्योंकि इस मैच में भी आपको 6 फिक्स प्लेयर ऐसा बताने वाला हूँ जिनका 90% परफॉर्म आने की संभावना रहेगी। बाकी प्लेयर का आप कंडीशन समझ लेना है कि कब किसको ट्राई करना है, साथ में वो कौन रिस्की प्लेयर रहेंगे जो ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड का काम करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को 4 ट्रम्प कार्ड, 3 लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन का सीन क्लियर कर दूंगा, जिससे कि ग्रैंड लीग की टीम बनाने में काफ़ी आसानी होगी, अपने टीम को रैंक करा सकते हो। साथ में स्मॉल लीग को भी जैकपॉट बनाकर अच्छा खासा अमाउंट को विन करना चाहते हैं, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को देखना और एक लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहां फाइनल पिच रिपोर्ट, कोई भी अपडेट आते हैं बता दिया जाता है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी मिलती है। तो इसलिए जाओ, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन हो जाना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है, जिस ग्राउंड में पिछला मैच हुआ है, तो ये लगाकर 9 मैच हो गया इस ग्राउंड पे, जो कि सेकेंड बैटिंग करने वाले 8 मैच को विन किए हैं टोटल 9 मैच में, जबकि फर्स्ट बैटिंग करने वाले एक ही मैच को विन किए हैं। चेस करना काफ़ी आसानी होता है, जबकि रिसेंट में अभी जो लास्ट वाला जो बांग्लादेश मैच को विन किए हैं वही मैच हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। उससे पहले अगर रिसेंट मैच देखा जाए तो हुमैन वाले मैच हुए हैं, जिसका मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे ये बैलेंस पिच है, विकेट के साथ रन भी बनते हैं। एवरेज स्कोर 153 का है, जबकि हाई स्कोर 210 का है 4 विकेट पर, और लो स्कोर 116 का है 9 विकेट पर। यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बिलो 150 4 बार बने हैं, 150 से 170 2 बार, 170 से 190 1 बार, और 190 प्लस 1 बार बने हैं। सेंट में जो इस ग्राउंड पे मैच हुए हैं, तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का तो आप देखे ही हो, ये जो उससे पहले मैच हुआ है हुमैन वाला, तो आप देख सकते हो श्रीलंका और इंडिया के बीच मैच हुआ था, 65 रन मारे थे श्रीलंका पहले बैटिंग करके 9 विकेट पर, जबकि चेस करने में इंडिया 71 रन मारे थे 2 विकेट पर। यहाँ पे पेसर को पहले इनिंग में 3 विकेट मिला था, सेकेंड में विकेट नहीं मिला था, जबकि स्पिनर को फर्स्ट और सेकेंड दोनों इनिंग में विकेट मिला है। उससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, श्रीलंका 122 रन मारे थे 6 विकेट पर, पाकिस्तान चेस करने में इस मैच को लॉस कर गए थे, 121 रन मारे थे 6 विकेट। यहां पे पहले इनिंग में 1 विकेट मिला था पेसर को, सेकंड में कोई भी विकेट नहीं मिला था, जबकि स्पिनर को यहां पे पहले इनिंग में 5 विकेट और सेकंड में 4 विकेट। उससे पहले इंडिया और थाईलैंड के बीच मैच हुआ था, इंडिया पहले बैटिंग करके 148 रन मारे थे 6 विकेट पर, थाईलैंड चेस करने में पूरी टीम ऑल आउट हो गए थे 74 रन पे। यहाँ पे पेसर को पहले इनिंग में 2 विकेट, सेकंड में 7 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट और सेकंड में 1 विकेट। जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो उससे पहले मैच हुआ है, उसमें पहले बैटिंग करके 112 रन मारे थे 10 विकेट पर, पाकिस्तान चेस करने में 5 विकेट गंवाए थे, मैच को विन कर गए थे। और यहाँ पे पहले इनिंग में पेसर को विकेट नहीं मिला था, सेकेंड में 2 विकेट मिला था, और स्पिनर को 8 विकेट पहले इनिंग में और सेकेंड में 3 विकेट। तो जनरली आप देखे हो जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ है, तो वहाँ पे नॉर्मली 50-50 का रहा है, पेसर को भी विकेट मिला है और स्पिनर को भी विकेट मिला है। लेकिन इस ग्राउंड का जो हाल है, स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, इसलिए स्पिनर भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन दोनों के बीच हेड टू हेड की बात करें, टोटल 10 मैच खेले गए हैं लास्ट वाला मैच लगाकर, जिसमें बांग्लादेश 4 मैच को विन किए हैं और अफगानिस्तान 6 मैच को विन किए हैं। तो वैसे हेड टू हेड में अफगानिस्तान आगे है, लेकिन जब इस ग्राउंड का रिपोर्ट आता है तो इसमें जो टीम टॉस जीतते हैं, समझो वो लगभग मैच को विन कर जाते हैं, क्योंकि 9 मैच इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, जिसमें चेस करने वाले 8 मैच को विन किए हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश जो पिछला मैच विन किए थे, टॉस जीतकर फील्डिंग लिए थे, चेस कर लिए थे आसानी से, वैसे काफ़ी दिक्कत हुआ था, लास्ट तक मैच गया था। तो इसलिए अफगानिस्तान टॉस जीतते हैं, चेस करते हैं, तो अफगानिस्तान विन करेंगे। तो यहाँ पर मैच का डिसीजन टॉस पे रहेगा। जब अगर आपको रियल में प्रॉफिट कमाना है, तो बल्लेबाजी एप्लीकेशन पे आ जाओ। यहाँ पे आप पहले डिपॉजिट अगर 100 रुपये भी करते हो, तो आपको 10% रियल कैश मिलते हैं, और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे साइनअप में, आपको 50 रुपये बोनस के रूप में भी मिलेंगे। साथ में यहाँ पे 10 रुपये का कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, जहाँ पे 10,000 का प्राइज मिलता है। यहाँ पे 2 मेंबर 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट खेलते हो, यहाँ पे कमीशन बहुत ही कम रहता है।
तो यहाँ पे पैसा बचाना भी प्रॉफिट ही है, और पैसे तो जो विनिंग प्राइज़ है वो तो बराबर मिल रहा है। तो इस यहाँ पे आप एक टीम से 10 प्लेयर सेलेक्ट करके टीम बना सकते हो। अपने यहाँ पे जो यूनिक है वो है स्टैट फैंटेसी, मतलब कि उसी मैच से रिलेटेड ढेर सारे आपको सवाल मिलेंगे। आपको दिख रहा है कि ये है बांग्लादेश विल विन द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो ये एक सवाल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी भी कर सकते हो, और यहाँ पर आसानी से पैसे को डबल कर सकते हो। बहुत लोग खेलते हैं, आप लोग भी अगर खेलना चाहो खेल सकते हो। जवाब देना है, आप प्ले नाउ पे जाओगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं ट्रू और फॉल्स का। ईजी है, आप ज्वाइन करोगे 5 रुपये से स्टार्ट करके 5,000 तक ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, फिलहाल आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, आपका 5 रुपये इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे 5 रुपये एंट्री दिखाएगा, रिटर्निंग 5 रुपये दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो सवाल है, सवाल पे ध्यान रखना कि कितने लोग किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बढ़ता घटता रहता है। जबकि आपको कितने कॉन्टेस्ट खेलना है, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट भरेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट भरेगा, और रिटर्निंग आपको कितना मिलने वाला है जब जीतोगे वो भी आपको दिखाएगा। सवाल ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जवाब आसानी से देना है, आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हो। साथ में आप लूडो खेलना चाहें 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से लूडो खेल सकते हो। जो साथ में स्पीड लूडो, जो कि आपको 6 मिनट का लिमिट टाइम मिलता है, अगर आप सही ढंग से लूडो खेल लेते हो तो आप स्पीड लूडो में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। काफ़ी बेहतर एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन हो जाना। बांग्लादेश के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो लिटन दास के साथ रोनी तालुकदार ओपनिंग करेंगे, नजमुल हुसैन संटू है, साकिबुल हसन, तौहीद हरिद्वाई है, समीम हुसैन है, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, नसूम अहमद, हसन महमूद और मुस्तफीजुर रहमान। तो ये इनके प्लेइंग 11 है, जबकि हसन महमूद की जगह पर पिछले मैच शरीफुल इस्लाम खेले थे, तो इसलिए वैसे वो परफॉर्म भी किए हैं, 1 विकेट निकाले थे, लेकिन वो शरीफुल इस्लाम खेलते हैं तो इस मैच में आप ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज कर सकते हो, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से फिर से ज़्यादातर राइट हैंडर ही बैट्समैन है, तो इसलिए शरीफुल इस्लाम जो है वो लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं। अगर काम करते हैं तो मुस्तफीजुर रहमान थॉक में विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और जो राइट हैंडर बैट्समैन होते हैं उसके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इनका हेड टू हेड भी परफॉर्म अच्छा है, लेकिन लास्ट मैच में भी परफॉर्म नहीं किए हैं। इसका कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि इनका तस्कीन अहमद भी फ्लॉप गए थे, यहाँ पे शरीफुल इस्लाम को 1 विकेट मिला था, तो इसलिए आप कंडीशन समझ लेना, आगे समझाऊंगा। जबकि अफगानिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो रहमतुल्ला गुरबाज के साथ मोहम्मद शहजाद ओपनिंग करेंगे, इब्राहिम जडरान है, नजीबुल्ला जडरान, मोहम्मद नाबी, करीम जन्नत, अजमतुल्ला उमर जय, राशिद खान, फरीद अहमद, मुजीबुर रहमान और फजलुल हक फारूकी। तो यहाँ पे भी देखोगे कि फजलुल हक फारूकी और फरीद अहमद ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जबकि बांग्लादेश की तरफ से भी ज़्यादातर राइट हैंडर ही बैट्समैन हैं, तो दो बॉलर इनकी तरफ से और दो बॉलर इनकी तरफ से, जो मतलब शरीफुल इस्लाम इसकी जगह पे खेलेंगे तो दोनों टीम की तरफ से दो दो बॉलर ऐसा है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और इन दोनों में टीम में कोई एक बॉलर ऐसा है जो 2 से 3 विकेट झाड़ कर ले जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन बन सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में अगर आप रिस्की लेते हो, रिस्की टीम बनाते हो, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन इन 4 प्लेयर में कोई एक प्लेयर को जरूर बनाना, जिनकी टीम पहले बॉलिंग कराते हैं उनकी तरफ से कोई एक बॉलर को बना सकते हैं। तो इसलिए सेफ प्लेयर की बात करें तो ये जितने भी प्लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे 7 प्लेयर हैं, ये 7 के 7 सेफ है, स्मॉल लीग के लिए पूरी तरह से सेफ है, और वैसे ये बड़े प्लेयर हैं और इनका परफॉर्म आ ही जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टीम में ये 7 प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। जबकि अगर रिस्क की बात करूं तो यहां पे शरीफुल इस्लाम है और एफ मलिक है, तो ये दोनों लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। तस्कीन अहमद तो वैसे सेफ ही है, बहुत सारे लोग लेकर आएंगे। यहां पर जो 2 प्लेयर रखा हूं ये दोनों अपने अपने टीम की तरफ से ओपनिंग करते हैं। वैसे तलाकुदार जो है ये काफी कंसिस्टेंट है, पिछले मैच में ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, 10 रन के करीब मारे थे। उसी तरह हजरतुल्ला जजाई है, काफ़ी बेस्ट प्लेयर हैं, परफॉर्म नहीं किए पिछले मैच में, दोनों फ्लॉप हैं, और जो प्लेयर परफॉर्म किए हैं वो उनको लोग पिक करेंगे, लेकिन इनका लो सिलेक्शन रहेगा। ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई कर सकते हो। जबकि दोनों टीम एक ऐसा टीम है जो कि बैटिंग सेक्शन से कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए आप जब भी ग्रैंड लीग में जाते हो तो आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना होगा, मतलब कि एक से अधिक टीम बनाना होगा। आप 4 टीम 5 टीम इस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो, और खासकर जो बैटिंग सेक्शन है उधर आपको प्लेयर को चेंज करना है। बॉलिंग में आपको नॉर्मली जो प्लेयर मिलेंगे वही परफॉर्म भी करेंगे, उसी तरह ऑलराउंडर में भी है वही प्लेयर परफॉर्म करेंगे। फंसती है बैटिंग सेक्शन से, जो कि आपको बैटिंग रोटेट करना है। दोनों टीम के प्लेयर में कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ये प्लेयर मारेंगे, कभी ये मारेंगे, कभी ये मारेंगे, इस तरह से इन दोनों टीम में चलता रहता है, तो इसीलिए कोई भी गारंटी नहीं बता सकता है। लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन नजीबुल्ला जडरान है, उसके बाद नजमुल हुसैन संटू है। तो कंडीशन आप समझ लिए हैं,
जबकि आप कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो यहाँ पे जो स्मॉल लीग की टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन साकिबुल हसन के साथ राशिद खान ऑफिशियली सभी लोग जाएंगे। अब थोड़ा बढ़ गया है मोहम्मद नाबी का, लोग नाबी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन हर मैच में रन मार जाए मोहम्मद नाबी वैसे प्लेयर नहीं है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका अच्छा है, लेकिन बॉलिंग से उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से साकिबुल हसन और समी दो ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं जो कि राशिद खान ऐसे ही साकिबुल हसन को परेशान करते हैं। अगर ये आउट कर देते हैं तो फिर इनका काम तमाम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इनको बॉल भी कराने को नहीं मिलेगा। बैटिंग से उम्मीद कर सकते हो लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं है बैटिंग से, वैसे कभी भी कुछ कर सकते हैं, बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, इस मैच में स्मॉल लीग के लिए आपके लिए राशिद खान ही सेफ रहेंगे वाइस कैप्टन के लिए। लगभग आप लोग कंडीशन समझ गए हो। अब चलते हैं टीम पे। ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, स्मॉल लीग की टीम में विकेट कीपर दोनों को रखा हूँ। गुरबाज ओपनिंग करते हैं, काफ़ी बेस्ट प्लेयर हैं और रिसेंट फॉर्म काफ़ी गजब का है, आप जरूर ट्राई कर लेना। लिटन दास है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे और ये भी कंसिस्टेंट है, वैसे उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन बैटिंग इनकी दोनों टीम की तरफ से कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है, तो विकेट कीपर में आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, विकेट कीपर से पॉइंट देंगे क्योंकि दोनों टीम से विकेट भी गिरने वाले हैं, तो इसलिए दोनों विकेट सेफ हो जाते हैं। जबकि बैटिंग सेक्शन से बात करें, जडरन है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे, नजमुल हुसैन संटू है, ये ओपनिंग करेंगे, दोनों अपने टीम की तरफ से सेफ ऑप्शन है। वैसे मैं पहले बताया हूँ कि दोनों टीम का ऐसा कंडीशन है कि कोई भी बैट्समैन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ये मारेंगे कभी वो मारेंगे कभी वो मारेंगे, इस तरह का है, इसलिए मैं बताया हूँ कि आपको ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन भी बनाना है जिसमें आप खासकर बैटिंग सेक्शन से प्लेयर को चेंज करना, वैसे बॉलिंग और ऑलराउंडर में आपको उतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा और जनरली इसी प्लेयर का परफॉर्म भी आएगा, उसी तरह बॉलिंग में भी परफॉर्म आएगा, बैटिंग सेक्शन में भी इन दोनों टीम के खिलाफ गड़बड़ाता है, तो इसलिए इस मैच में आप ग्रैंड लीग की बेहतर टीम बनाना चाहते हैं तो आप बैटिंग सेक्शन से ही प्लेयर को रोटेट करें, बॉलिंग में आपको नॉर्मली दिख जाएगा। जबकि ऑलराउंडर में साकिबुल हसन को कैप्टन बनाया हूं और मोहम्मद नबी को इस मैच में वाइस कैप्टन मैं नहीं बनाने वाला हूं। इसका रीज़न है क्योंकि बॉल कराने की संभावना भी नहीं रहेगी। उसी तरह करीम जन्नत है, करीम जन्नत पिछले मैच में 3 विकेट निकाले थे लेकिन उनका देखोगे कि एक ओवर 3 ही बॉल किए थे, तो इसीलिए बॉल उसको उतना ज़्यादा नहीं मिला है, हो सकता है पिछले मैच में विकेट निकाले हैं तो इस मैच में भी बॉलिंग करावे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी विकेट मिल जाए, एकाध विकेट का आप उम्मीद कर सकते हो, सेफ प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन इस मैच में नहीं बनने वाले हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो फजलुल हक फारूकी और सैफुल इस्लाम, तो ये दो ऑप्शन बनेंगे क्योंकि दोनों टीम की तरफ से ज़्यादातर राइट हैंडर बैट्समैन हैं और ये दोनों लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं, तो इन दोनों का परफॉर्म आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। उसी तरह तस्कीन अहमद भी है, तस्कीन अहमद थॉक में विकेट निकालते हैं, 3-4 विकेट इस तरह से निकालते हैं, अब तस्कीन अहमद को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना। जबकि मुस्तफिजुर रहमान भी लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं, तो इन पे अगर आप रिस्क लेते हो तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना, क्योंकि वैसे बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान का परफॉर्म अच्छा है, और जबकि स्मॉल लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन देख लियो, राशिद खान के साथ जा रहा हूँ, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हैं तो राशिद खान का बैटिंग भी आ जाएगा, जबकि सेकेंड में बैटिंग करते हैं वैसे बॉलिंग अच्छा करेंगे, और यहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट है इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लिए बनाते हैं तो मेहदी हसन मिराज के साथ भी जा सकते हैं। जबकि ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में दोनों ओपनर को लिया हूँ जो कि अपने टीम की तरफ से दोनों ओपनिंग करेंगे। वैसे तलाकुदार का काफ़ी गजब का परफॉर्म है, रिसेंट लास्ट के मैच में उतना ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, 9 रन मारे थे, आउट हो गए थे। उसी तरह हजरतुल्ला जजाई है, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन जब भी चल जाते हैं तो एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्म कर जाते हैं, तो इसलिए मैं दोनों ओपनर को रखा हूँ। इन दोनों का सिलेक्शन काफ़ी लो रहेगा तो यूनिक टीम बनाने में मदद करेगा। जबकि जडरन को रखा हूँ, ये सेफ प्लेयर हैं और परफॉर्म लगातार करते आ रहे हैं, इसकी जगह पे आप प्लेयर चेंज भी कर सकते हो। साकिबुल हसन को कैप्टन बनाया हूँ, मेहदी मिराज वाइस कैप्टन है। जबकि अगर ग्रैंड लीग में आप रिस्क लेते हो तो फजलुल हक फारूकी अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कराते हैं तो इनको बना सकते हो, उसी तरह इस्लाम को बना सकते हो जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराते हैं। वैसे तस्कीन अहमद भी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहेंगे। बाकी आप ऑलराउंडर या बॉलिंग सेक्शन से बनाना, क्योंकि यहाँ पे चेस करने वाली टीम जो रहेगी उसको आप विनिंग का चांस देना और उनकी तरफ से बॉलिंग ज़्यादा पिक करना, जो टीम पहले बॉलिंग कराएंगे, पहले इनिंग में विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं और रन कम बनते हैं, चेस करने वाली टीम यहाँ पे चेस कर लेते हैं आसानी से और उनका विकेट कम गिरता है, तो ये ग्रैंड लीग में आप लॉजिक लगाना। तो उम्मीद है कि आप लोग लगभग समझ गए होंगे सारा कुछ, तो ये दो टीम को आप इनिशियल फिलहाल ट्राई कर लेना, ज्वाइन कर लेना कॉन्टेस्ट, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी तो मेरा टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।